व्हाट्स अप यूट्यूब, आई एम शुभम चौधरी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हम फास्ट बॉलर पे अपना फुटवर्क को बिल्कुल अच्छा कैसे रखें। मतलब हमें पता कैसे चले कि हमें फ्रंट फुट पे खेलना है या बैक फुट पे खेलना है, हमारा जो फुटवर्क है वो तेज कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है बैट्समैनों को कि वो अपना फुटवर्क अपना बिल्कुल प्रॉपर नहीं रख पाते, बॉल को चूज़ नहीं कर पाते या फुट मूवमेंट तेज नहीं होती, जिसकी वजह से या तो वो बीट हो जाते हैं, एलबी हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, या फिर जब ड्राइव खेलते हैं या तो बैट पैर हवा में रहता है तो एज वगैरह लग जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आपको खेलना कैसे है, आपको कौन सी बॉल पे फ्रंट फुट पे जाना है, कौन सी बॉल पे बैक फुट पे खेलना है और आप अपना फुटवर्क तेज कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपका जो फुट मूवमेंट है फास्ट बॉलर्स पे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको गलती बताता हूँ कि आप लोग गलती क्या करते हो। जब आप बैटिंग करते हो तो कभी कभी क्या होता है, जो बॉल ऊपर होती है उस पर आपका जो पैर होता है वो हवा में रहता है, इससे क्या है बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। जब आप ड्राइव खेलते हो कुछ विकटों पे तो एक दो शॉट लग जाते हैं, पर कभी कभी अगर आपकी बॉडी डिसबैलेंस होगी तो आपका वेट जब आगे साइड रहेगा तो बॉडी आगे की साइड गिरेगी, वो कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो जब बॉल अंदर आएगी आप बोल्ड हो सकते हो या जब ड्राइव खेलोगे तो एज लग सकती है। एक तो आपकी ये गलती होती है। एक गलती क्या होती है, आप बॉल का टप्पा नहीं चूज़ कर पाते कि बॉल को फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे पंच मारना है, बैक फुट पे पुल मारना है, वो आप जज नहीं कर पाते। एक आपकी वो गलती होती है। तो आप इसे ठीक कैसे कर सकते हो, आप इसकी एक ड्रिल कर सकते हो। आप कोन्स रख सकते हो, एक कोन आप गुड लेंथ पे रखो, मतलब जो ड्राइव वाली लेंथ होती है, एक कोन आप शॉर्ट पे रख सकते हो जो थोड़ा बैक फुट पे, जिस पे आप कि बैक फुट पे जब बैट्समैन पंच मारता है, एक आप रख सकते हो पुल शॉट पे, मतलब छोटी पे। तो आपको अपने फ्रेंड को क्या बोलना है, वो तीनों कोनों पे आपको बॉल कराए, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। जब बॉल ऊपर आएगी तो आपका फुट मूवमेंट बिल्कुल बॉल तक जाएगा, आप वहाँ जाके ड्राइव खेलोगे। जब बॉल गुड लेंथ पे होगी तो वहाँ से जाके आप बैक फुट पे पंच खेल सकते हो, बॉल छोटी होगी उस पे जाके आप पुल खेल सकते हो। ये तो आप एक ड्रिल कर सकते हो अपने, मतलब बॉल को जो बॉल का टप्पा होता है उसे चूज़ करने के लिए। दूसरी ड्रिल आप क्या कर सकते हो, आप स्किपिंग कर सकते हो। अगर आप स्किपिंग करोगे तो आपके जो फुट के मूवमेंट है वो बिल्कुल चलने लगेंगे ऐसे, या जब आप ऐसे करोगे, क्योंकि जब आप बैट्समैन हो तो इसमें आपका फ्रंट फुट बैक फुट चलाना बहुत ज़रूरी है, या आप खड़े खड़े ऐसे ड्रिल कर सकते हो या स्किपिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पैरों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हो। फिर आप एक ड्रिल क्या कर सकते हो, आप फुल टॉस बॉल खेल सकते हो, या कॉस्को की बॉल को गीला करके आप बॉलिंग खेल सकते हो। इससे क्या होगा, बॉल कॉस्को की बॉल जो है वो पड़ के तेज आएगी, या प्लास्टिक बॉल से कर सकते हो भारी वाली से, वो पड़ के तेज आएगी, उससे आपका फुट का जो मूवमेंट है बिल्कुल तेज हो जाएगा। तो आपकी फास्ट बॉलिंग पे फुट की मूवमेंट नहीं है, आपकी फुट मूवमेंट नहीं अच्छी आ पाती, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये ड्रिल्स करके ज़रूर देखना, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या आपका जो फुट मूवमेंट है वो ठीक हुआ है या नहीं, या पहले से बेटर हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है शुभम क्रिकेट अकेडमी। हैंग कर।